नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें हम रिपोर्टर से जानते हैं उनके विधानसभाओं का हाल। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर जाएंगे काशीपुर और बहादुराबाद और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है, क्योंकि पहले चरण का मतदान 2 दिन बाद होना है और ऐसे में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं तक हम पहुँचे और वहां पर किस तरह का माहौल है ये जानने की हम कोशिश करें। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, किस तरह के हालात हैं वो आपको बता रही हूँ। तो विकास तो काशीपुर में बहुत कम हुआ है ऐसा रिपोर्टर्स का मानना है और सड़कें भी अधिकतर टूटी हुई हैं। फ्लाईओवर 2 साल में बना था, उसे 4.5 साल हो गए हैं, अभी पूरा नहीं बन पाया है। यानी कि जो 2 साल में फ्लाईओवर बनकर तैयार होना था, 4.5 साल बाद भी वो तैयार नहीं हुआ है। इसके अलावा जलभराव की समस्या लगातार काशीपुर में बनी हुई है। बारिश जब जब होती है काशीपुर पूरी तरह से तालाब बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बहादुराबाद की तो वहाँ पर भी कुछ खास विकास नहीं हुआ है। तो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। चुनाव को शांति से संपूर्ण कराने को लेकर हर जगह पुलिस बल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में उतरे सभी प्रत्याशियों को प्रशासन की ओर से नियमों का भी खास ध्यान रखने की सलाह लगातार दी जा रही है। और बहादुराबाद से नईम अहमद मेरे साथ जुड़ गए हैं। नईम, बहादुराबाद में चुनावी माहौल कैसा है? नहीं, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? तो नईम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। आप बता दें कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि चुनावी माहौल इन दिनों कैसा बना हुआ है, क्योंकि समय कम है। जनता भी पूरी तरह से मन बना चुकी है कि उन्हें इन 5 सालों में जो कामकाज हुए हैं उसको वापस से दोहराना है या फिर एक नई शुरुआत करनी है। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं काशीपुर और बहादुराबाद की। काशीपुर की तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पर कुछ सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से पक्की हैं, लेकिन कुछ सड़कें जो हैं वो अभी भी कच्ची बनी हुई है। कुछ सड़कों का हाल बदहाल यहाँ पर बना हुआ है और वहाँ की आम जनता क्या सोच रही है, वहाँ की आवाम ने क्या मन बनाया है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू जिस वजह से हम अपने रिपोर्टर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम उनसे कनेक्ट होकर तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाएंगे और किस तरह का माहौल है वो भी हम बताएंगे। मेरे सहयोगी दोनों मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं नईम अहमद का रुख करूँगी। नईम, बहादुराबाद में चुनावी माहौल कैसा है सबसे पहले ये बताइए। देखिए, मैं काशीपुर से, अगर चुनावी माहौल की बात करी जाए तो काशीपुर का चुनावी माहौल त्रिकोणीय बना हुआ है, जहां विधायक हरभजन सिंह चीमा ने 4.5-5 साल में विकास के नाम पर जो वोट मांगा था उसमें जनता के नजरिए यह है कि कोई विकास नहीं किया गया है। और यही हरभजन सिंह चीमा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो नहीं, पिछले 20 साल काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी का निराते तैयार था, लेकिन उन्होंने जनता के नजरिए से विकास के नाम पर काशीपुर को बदहाल की तरफ दिखाया है। अगर बात करी जाए सड़कों की तो काशीपुर की सबसे मुख्य समस्या क्या है, आम जनता क्या चाहती है, उनके सामने कौन कौन सी परेशानी है जिसका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए, ये उम्मीदें सरकार से बनी रहती हैं, ऐसी कौन सी समस्या है? देखिए, अगर काशीपुर की सबसे मुख्य को अगर सामने लाया जाए तो पिछले 40 सालों से काशीपुर में जल भराव की समस्या जस्ट पर बनी हुई है। जल भराव यहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश की जरूरत नहीं होती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, दुकानों में मकानों में एक एक फुट तक पानी भर जाता है। इसको लेकर के जनता लगातार मांग करती रही कि इस पर भी कोई अमली जामा नहीं बनाया गया है। बिल्कुल, और कुछ परेशानियां ये भी हैं कि बारिश में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है काशीपुर वासियों को। कितनी विधानसभाएं यहाँ पर और क्या सभी विधायक अपनी क्षेत्र में जाते हैं, आम जनता से मुलाकात होती है, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश होती है? बिल्कुल, इसको लेकर के
हरभजन सिंह जो है जनता के बीच में तो जा रहे हैं, और उससे पहले भी जो चुनाव उन्होंने लड़े हैं उसमें भी उन्होंने विकास की गाथा को आगे बढ़ाने की बात रखी थी, लेकिन अभी तक जो विधायक का कार्य क्षेत्र अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं पाई है। जो उन्होंने तीन मोर पर बिठाए और उनके फिर से सवाल माने, तो कहीं ना कहीं जनता का मानना यह है कि विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे उनको पुनः विधायक की सीट पर बिठाया जा सके। बिल्कुल, और इसके अलावा मैं बहादुराबाद के हालात भी जानने की कोशिश करूंगी। बहादुराबाद में किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अब जो है तस्वीरें बिल्कुल क्लियर होने वाली है। दो दिन का समय, पहले चरण का मतदान होना है। जी जी बिल्कुल, दो दिन रह गए, अभी दो चार दिन ही रह गए हैं पहले चरण का चुनाव होना है। और हरिद्वार में कहीं ना कहीं बात करें बहादुराबाद की, तो बहादुराबाद जो ज्वालापुर विधानसभा और रानीपुर विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विकास भी हुए हैं, और विकास भी करोड़ों की सौगात विधायक निधि से भी जनता तक दी गई, जनता को दी गई है। और कहीं ना कहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस बल सब तैनात कर दिए गए हैं। बिल्कुल, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव को शांति तरीके से संपूर्ण कराने के लिए पुलिस बल और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। जी काजल, बिल्कुल। इसके अलावा बहादुराबाद में कौन कौन सी समस्याएं जो है वो मुख्य बताई जाती हैं, कितनी विधानसभाएं हैं पहले तो ये बताइए। देखिए, जनपद हरिद्वार में लगभग 11 विधानसभा हैं, और अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 विधानसभा चुनाव में 8 सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो झंडा है वो लहराया था, और कहीं ना कहीं 8 सीटों पर जो है बीजेपी ने विजय प्राप्त पाई थी। और कहीं ना कहीं इस बार भी देखिए किस तरीके से होता है कि काजल होता क्या है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में दो ही पार्टी महज ऐसी रहती हैं, जो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है आम आदमी ने भी ताल ठोकी, आम आदमी पार्टी भी ने भी ताल ठोकी। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ की समस्याओं की, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो जल भराव से रहती हैं, जल भराव की समस्या रहती है। और कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं बात ये भी कही जाती है कि भादराबाद क्षेत्र में सिडकुल भी है, और कहीं ना कहीं यहाँ 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन वो कहीं धरातल पे नजर नहीं आता है। जी काजल, बिल्कुल। और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बहादुराबाद में विधायक निधि से क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया गया है, क्या वो करोड़ रुपए सिर्फ कागज में दिखाई देता है या जमीन पर भी कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं काजल, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से करोड़ों की सौगात क्षेत्र की जनता को विधायक निधि से दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो धरातल पे भी नजर आती है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो विकास की दृष्टि से दूर बने रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बैकवर्ड में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वहां तक जो है संसाधन पहुंचने का भी कोई रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कि गाँव तक विकास पहुंचने में अभी भी काफी समय लगता है। जी बिल्कुल, अभी भी ऐसे कुछ गांव हैं, अगर हम ज्वालापुर विधानसभा की बात करें, रानीपुर विधानसभा की बात करें, तो इन दोनों विधानसभाओं में कुछ गांव ऐसे हैं जिन तक अभी तक भी विकास नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, इसके अलावा अगर काशीपुर की हम बात करें तो काशीपुर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और ऐसे में एक तस्वीर सामने आई थी कि फ्लाईओवर का निर्माण 2 साल में होना था लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है, तो काशीपुर में वो निर्माण कब पूरा होगा, क्या विधायक से आपकी मुलाकात हो पाई है, विधायक से बातचीत हो पाई कि आखिर उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम किया है? बिल्कुल, इस संबंध में आपको बता दूं कि जिस तरीके से फ्लाईओवर को विधायक हरभजन सिंह चीमा एक बड़ी उपलब्धि मानते रहे हैं, तो लेकिन वही इस पर अभी तक ऐसा अनुगामन नहीं चलाया जा सका है जो इसको कंप्लीट किया जा सके। और विधायक हरभजन सिंह चीमा जहाँ ये कहते रहे थे कि चुनाव से पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आप अगर फ्लाईओवर की बात करी जाए तो फ्लाईओवर अधूरा बना हुआ है। अगर इसके साथ साथ और समस्या तो काशीपुर में देखिए केशव, अगर आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप मास्क उतारकर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जी
ठीक है केशव, अब ये बताइए कि काशीपुर की जो जनता है, जनाधार कितना बड़ा है, कितने पुरुष मतदाता हैं और कितनी महिलाएं मतदाता हैं, और कौन कौन से ऐसे नौजवान हैं जो पहली बार वोट डालेंगे इस बार? बिल्कुल, आपको बता दूं, क्षेत्र में लगभग 1,70,000 के आसपास जो मतदाता इस बार अपने प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 65 के आसपास जो है मतदाता जिसे अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, और युवाओं में भी जो अपने मत का प्रयोग करेंगे, और इस बार उनकी सोच लेंगे म्यूट लगाना, म्यूट एक बार म्यूट लगाना, विकास को आगे बढ़ाना होगा, विकास का नजरिया जो प्रत्याशी जितने भी हैं उनमें सोच है उसी को इस बार। केशव आपके आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मैं नईम अहमद के पास जाऊंगी। नईम अहमद, बहादराबाद में कितने मतदाता ऐसे हैं जो पुरुष हैं, कितने मतदाता ऐसे हैं जो महिलाएं हैं? देखिए बहादराबाद क्षेत्र की अगर बात करें तो बहादराबाद एक गांव ऐसा है, इसमें रानीपुर और ज्वालापुर विधानसभा दोनों लगती है, तो कहीं ना कहीं लगभग एक लाख साठ हजार जो है रानीपुर विधानसभा में वोटर हैं, और कहीं ना कहीं ज्वालापुर में भी 2 लाख के समथिंग वोटर हैं, और कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जा सकता है काजल कि इस बार भी लगभग 30,000 से 35,000 नए वोटर तैयार हुए हैं जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे। कहीं ना कहीं एलईडी माध्यम से भी जो प्रशासन ने जानकारी दी थी, नए वोटरों को पूरी तरीके से जानकारी दी थी कि किस तरीके से अपना मतदान किया जाता है। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चुनावी मुद्दों की, तो चुनावी मुद्दों में भी काजल कई चीज आती हैं, जैसे कि नए मतदान होते हैं उनको नहीं पता होता है कि हमें किस तरीके से ईवीएम मशीन का यूज करना है, तो कहीं ना कहीं जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं या जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं तो कहीं ना कहीं एलईडी रथ के माध्यम से उन्होंने जनता से ये अपील की थी, जनता को नए वोटर को समझाने की कोशिश की। यहाँ मैं रोकना चाहूंगी, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है। देखिए 5 सालों में 3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले हैं, ऐसे में धामी सरकार पर आम जनता को कितना विश्वास है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहादराबाद से काशीपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले मैं बहादराबाद जाऊंगी और बहादराबाद में ये पूछूंगी कि इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले हैं, आप ये बताइए कि धामी सरकार पर आम जनता कितना विश्वास कर रही है बहादराबाद में? कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 3 मुख्यमंत्री यहाँ चेंज किए गए हैं उत्तराखंड में, और इस बार जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो उनपे कहीं ना कहीं जनता विश्वास जता रही है, और कहीं ना कहीं उनके उनके पक्ष में उनको सुनने के लिए भी उत्साहित रहती है, और कहीं ना कहीं जब उनका वर्चुअल माध्यम से हो या उनकी रैली हो तो कहीं ना कहीं लोगों की एक बड़ी तादाद में भीड़ देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में उनके लिए एक प्यार नजर आता है। कहीं ना कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो लोगों का जो बताना है कहना है उनका साफ तौर से यही कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। यानी बीजेपी के कार्यकाल से खुश है बहादराबाद की आम जनता, ये हम समझ सकते हैं? जी बिल्कुल। इसके अलावा आम आदमी पार्टी क्योंकि नए विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ रही है और तमाम तरीके के प्रलोभन है, बहादराबाद में आम जनता पर क्या इसका असर पड़ता है? जी बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड का दौरा करते रहते हैं, इस वक्त भी वो हरिद्वार में मौजूद है, 3 दिवसीय दौरे पर वो हरिद्वार में मौजूद है, और कहीं ना कहीं लोग लुभावन बातें भी लोगों से कर रहे हैं, और जब आते हैं तो हर बार कोई ना कोई नया गारंटी कार्ड लोगों को देकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी उनके पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी जमीन तलाश रही है उत्तराखंड में, तो किस कि देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि आने वाले 10 मार्च के बाद जो मतगणना होनी है उसमें इन बातों का कितना असर देखने को मिलेगा। देखिए उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो 10 साल कांग्रेस ने बिताए हैं, 10 साल बीजेपी ने बिताए हैं, आम आदमी पार्टी तो नए विकल्प के तौर पर उभर रही है। अगर बहादराबाद की हम बात करें तो कांग्रेस किस स्थिति में दिखाई देती है बहादराबाद में?
देखिए कांग्रेस की अगर बात करें हम बहादुराबाद में ज्वालापुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना पहला प्रत्याशी उतारा था उसके बाद प्रत्याशी बदलकर रवि बहादुर के रूप में प्रत्याशी उतारा, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में वो भी घर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और साफ तौर से कहा जा सकता है कि रवि बहादुर भी लोगों के बीच में पहले से रहते हैं और कहीं ना कहीं लोगों से बाखूबी परिचित भी है। जी यानी कांग्रेस की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, भाजपा को यहाँ लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ये हम इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, इन बातों से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। जो योजनाओं का लाभ है क्या वो आम जनता तक पहुंच रहा है? हाँ, अगर हम बात करते हैं जब जीरो ग्राउंड की बात हम करते हैं, जीरो ग्राउंड पे हम जाकर रिपोर्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है बीजेपी के पक्ष में बोलते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो वादे सरकार ने किए थे तो वो कहीं ना कहीं पूरे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार की ओर से योजनाएं आ रही है वो भी धरातल पर देखने को मिलती। बिल्कुल केशव, अगर हम बात करें काशीपुर की तो काशीपुर में कैसी तस्वीरें निकल कर सामने आती है? काशीपुर की जनता धामी फेस पर वोट डालने जा रही है या कुछ और तस्वीर इस बार काशीपुर में देखने के लिए मिल सकती है? बिल्कुल काजल, इस बारे में आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं क्रिकेट का साथ है, उधम सिंह नगर में काशीपुर से अलग और क्षेत्र पड़ते हैं तो जो है नगर में काशी से। केशव सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपसे कनेक्ट करने में मुझे इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, इसे हम समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ये समस्या है यहाँ पर बहुत बड़ी। तो ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि बहादुराबाद और काशीपुर में तस्वीरें कितनी साफ हैं और कितनी क्लियर है। देखिए अगर बहादुराबाद की हम बात करें तो बहादुराबाद में कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो बीजेपी को पसंद कर रही है, यानी कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी का वो उन्हें पसंद आया है, योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन अगर काशीपुर की हम बात करें तो यहाँ पर समस्याएँ लगातार बनी हुई हैं और ये समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी बताया भी यहाँ पर जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, उनको उनकी मरम्मत नहीं की जाती है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, कई बार हादसे भी होते हैं। इसके अलावा जो फ्लाईओवर है 2 साल में बनना था लेकिन अब तक नहीं बन पाया है, तो ऐसे में समस्या वहां पर बहुत ज़्यादा है, जल भराव की समस्या लगातार बनी रहती है, तो ये परेशानियां जो हैं यहाँ पर बहादुराबाद और काशीपुर में बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर आम जनता ने मन बना लिया है कि अब वक्त है बदलने का और अब वक्त है अपने हिसाब से सरकार चुनने का। बहादुराबाद में कुछ कुछ तस्वीर साफ है लेकिन काशीपुर की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पा रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो तस्वीरें आपने देखी है इससे अंदाजा लग गया है कि इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट डालने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा महंगाई भी दूसरा मुद्दा हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो विकास की है। उत्तराखंड अब विकास चाहता है और विकास की गति पर ही आगे बढ़ना चाहता है। फिलहाल के इतना ही, कल फिर लौटेंगे और विधानसभाओं के साथ। नमस्कार।